माउंटेन देखा जो फोर्थ हाईएस्ट है वर्ल्ड में. सो मेरा मन कर रहा था कि मेरे पास इतनी एनर्जी हो तो मैं वो भी चढ़ लूँ, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल. वेरी फोकस्ड. दो माई शेरपा वॉज सेइंग कि आप मैम वापस चलते हैं कैंप टू बेसिकली मेक अ गुड इम्प्रेशन. सो इन द माउंटेन्स ऑल्सो आई पहले कहना चाहती हूँ कि एज की लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए. जस्ट द फैक्ट दैट आई एम 50+, 53 एंड आई हैव समिटेड एवरेस्ट, ये एकदम नहीं आ गया. ये प्रेपरेशन बहुत सालों से चल रही है. मेरा फर्स्ट माउंटेन था एट 47. तो अगर आज कोई कहेगा कि टुडे आई वॉन्ट टू गो एंड क्लाइम एवरेस्ट, ऐसे नहीं हो सकता. आपका पैशन होना चाहिए, पर आपकी प्रेपरेशन के बिना आप और ट्रेनिंग के बिना आप नहीं कर सकते. एंड लास्टली पर्सिस्टेंस होनी चाहिए आपके मन में. वो होना चाहिए कि मुझे करना ही है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट. जब मैं क्लाइंब भी कर रही थी थ्रू दीज रफ पैचेस जहाँ पर लैडर्स हिल रही थी और क्रेविसेस में जंप करना था, तो उस टाइम पे मैं अपने माइंड में इंटरनली कहती रहती थी कि आई कैन डू इट. एंड वो चीज़ अंदर से आती है, आपको कोई नहीं करवा सकता वो. सो आपका जो पैशन है इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि यू फील येस दिस इज़ पॉसिबल. एंड आई फाइंड दैट पीपल शुड गो आउटडोर्स. लोगों को बाहर जाके सोचने की क्षमता मिलती है, दे कैन थिंक क्लियरली. ऑल दिस इज़ नॉट देयर. सो आपकी जो डिस्टर्बेंसेज हैं बहुत कम है. एंड वी आर लिविंग JNK, आई मीन यू नो वी कैन ब्रिंग इट टू द वर्ल्ड मैप. इतना सुंदर है यहाँ पर सब कुछ, बट पीपल हैव टू गेट एक्टिव, पीपल हैव टू गेट फिट. एंड इट इज़ नॉट जस्ट गेटिंग फिट बाई वॉकिंग, इट्स ऑल्सो द डाइट. हैवी फूड नहीं खाना चाहिए. As a mountaineer, I have a very disciplined life because I'm getting up in the morning. Even today, I spent an hour and a half in the gym this morning. And I said, kal nahi hua tha because I was flying here. So you have to make effort. Effort in your diet, in your fitness, in your habits. Aapka lifestyle jo hai, which will take you anywhere. So mera kehne ka ye hai, cause ke everybody has to climb their own Everest, not necessarily go and climb a mountain, but kisi ko agar kisi bhi profession mein jana hai to they have to struggle, they have to see ke agar theek hai setback ho gaya hai, so what is it that I can do to make it better. And setback should be really opportunities for you to go back. Last year when I came from Everest, अच्छा नहीं लगा बिकॉज इतनी प्रेपरेशन करके गई थी. दो माउंटेंस भी 6000 मीटर्स के क्लाइंब करके गई थी. आई डिड स्टोक कांगरी एंड आई डिड लोबुची पीक इन नेपाल. सो आई थॉट दैट वाज इनफ, बट देन वो मैंने उसमें से अपना पूरा चेक किया और मैंने कहा कौन सी चीज़ है मैं जो ज़्यादा कर सकती हूँ टू मेक माई सेल्फ मोर स्ट्रॉन्ग. सो आई ट्रेन फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड वी जुमार रोप के साथ हम जो मार करते हैं ऊपर अपने आप को खींचते रहते हैं. सो अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड पुल अप्स एंड चिन अप्स जो मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं करूँगी. और आज एट 50+ आई एम मोर स्ट्रॉन्गर एंड फिटर देन आई वाज इन माय 20s में. आई डोंट थिंक आई कुड डू इवन वन पुशअप एंड पुल अप एंड चिन अप्स, बट नाउ आई कैन डू इट. ऑफकोर्स नॉट एट दिस मोमेंट, बट यार